तो छत्तीसगढ़ में नक्सली अब ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी के जरिए पुलिस और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब तेलंगाना में एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। सवाल यह है कि क्या नक्सली कमजोर होने की बजाय मजबूत हो रहे हैं? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। नक्सली ड्रोन का कर रहे हैं इस्तेमाल। सप्लाई चेन को लेकर उठे बड़े सवाल। अब तक पुलिस जिस ड्रोन से नक्सलियों पर नजर रख रही थी, अब उसी से नक्सली भी सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर निगाह रख रहे हैं। जंगली इलाकों में बने पुलिस कैंप में क्या हलचल है, किस एरिया में कौन सा निर्माण कार्य चल रहा है, इन सभी एक्टिविटी का पता नक्सली ड्रोन से लगा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब तेलंगाना में एक नक्सली ने सरेंडर किया। उसी ने एक कुरियर कंपनी का नाम भी बताया, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर विस्फोटक और ड्रोन को बरामद किया। इस जानकारी से पुलिस और सुरक्षा बल भी हैरान है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि नक्सलियों के पास ड्रोन कहां से आया, नक्सलियों को ड्रोन की सप्लाई कौन कर रहा है, क्या सप्लाई चेन अब भी नहीं टूटी है, क्या नक्सली कमजोर होने के बजाय और मजबूत हुए हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो ड्रोन वाले खुलासे के बाद उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि सप्लाई चेन पहले से कमजोर हुई है, लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल वाली जानकारी के बाद इन दावों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। विगत वर्षों में माओवादियों का सप्लाई लाइन के ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई करना हमारा प्राथमिकता रहा है। इसके लिए सीमावर्ती इलाका तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा सभी स्टेट से हमारा निरंतर रूप से कोऑर्डिनेशन इंटरस्टेट बैठक्स जारी रहा। आपस में आसूचना का आदान प्रदान भी की जाती थी। इसी कारणवश विगत महीने में देखा जाए तो काफी बड़ी कार्रवाई तेलंगाना साइड में भी हुआ और छत्तीसगढ़ साइड में भी हुआ। ये अभी हाल फिलहाल में 3 दिन पूर्व तेलंगाना में कोत्तागुडम भद्रादरी जिला में एक सप्लाई नेटवर्क को कार्रवाई की गई थी। उसमें एक लेत मशीन और एक ड्रोन का भी पुलिस द्वारा जब्ती की गई तेलंगाना पुलिस द्वारा। इस संबंध में अभी अग्रिम पूछताछ और डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक नक्सली कमांडर को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के लिए कमांडर को रायपुर भेजा गया था। कमांडर ने ही बाकी नक्सलियों को ट्रेनिंग दी। बस्तर में नक्सलियों के पास करीब 10 ड्रोन हैं। मतलब साफ है, हाईटेक होने में नक्सली पुलिस से पीछे नहीं है। बस्तर रेंज में अगर नक्सलियों के पास 10 ड्रोन है तो ये निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। कई प्रमाण मिल चुके हैं कि नक्सलवाद का सफाया हो ये कांग्रेस चाहती ही नहीं। केंद्र सरकार की मदद से देश के अन्य राज्यों से नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राज में कहीं न कहीं नक्सलियों का पनाहगार बना हुआ है। कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि कांग्रेस के नेता नक्सलियों का इलाज कराने के लिए अन्य राज्यों में गए और वहां पकड़े गए। बातें बहुत गंभीर हैं, प्रदेश के हित में नहीं है। कांग्रेस सरकार जब तक है तब तक नक्सलवाद की जड़ें मजबूत होंगी। नक्सली संगठनों के पास ड्रोन मिलना और उस ड्रोन के माध्यम से जो नक्सली खत्म करने किए जा रहे प्रयासों का नक्सलियों के द्वारा निगरानी करने की सूचना मिलना अत्यंत गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। केंद्र सरकार को ड्रोन के मामले में कड़े और सख्त नियम बनाने चाहिए और ड्रोन निर्माता कंपनियों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। ड्रोन किसी भी देश विरोधी ताकत के हाथ नहीं लगने चाहिए। 2019 में सुरक्षा बलों के कैंप के ऊपर एक ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इसकी जांच पड़ताल की थी, लेकिन तब ये पता नहीं चल पाया था कि ड्रोन को किसने ऑपरेट किया था। लेकिन अब ये पुष्टि हो गई है कि नक्सलियों के पास ड्रोन है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कि कुछ जो पकड़ाए हुए नक्सली हैं या आत्मसमर्पित किए हुए नक्सली लीडर हैं, उन्होंने ऐसा बताया है कि ड्रोन का इस्तेमाल नक्सली कर रहे हैं। हालांकि नक्सली जो हैं वो काफी बुद्धिमान हैं और वो इस किस्म का भ्रामक प्रचार भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ड्रोन कोई सा ड्रोन जो है वो पुलिस जब्त न करे और इसके पुख्ता सबूत न मिले, तब तक इस पर इस बात पे 100% यकीन करना वो थोड़ा मुश्किल है। वैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो पदस्थ हैं,
मेरी जानकारी में काफी वेल इक्विप्ड हैं, और उन लोगों को ड्रोन से उनको चेज कर पाना, उनके ऊपर नियंत्रण कर पाना इतना आसान नक्सलियों के लिए नहीं है। और पिछले एक साल में कई ऐसे मौके आए जब नक्सली पुलिस पर ड्रोन हमले के आरोप लगाते रहे हैं। एक ड्रोन को गिराने की तस्वीर भी जारी की गई थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने कभी ये नहीं कहा कि उनकी ओर ड्रोन से हवाई हमले किए गए हैं। वैसे ये सच है कि अंदरूनी इलाकों में फोर्स की पैट बढ़ी है। जंगली इलाकों में 20 कैंप स्थापित हुए हैं। 4 साल में 54 पुलिस कैंप बनाए गए हैं। नक्सली चारों ओर से घिर गए हैं। जिस मांड में पहले नक्सलियों का ठिकाना हुआ करता था, वहाँ पुलिस के कैंप है। इसीलिए नक्सलियों में बौखलाहट और घबराहट दोनों है, और अपने साथियों की जान बचाने के लिए ड्रोन से सुरक्षा बलों पर नजर रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक प्रदेश है, और ऐसे में तेलंगाना में पकड़े गए एक नक्सली ने खुलासा किया है कि नक्सली सीआरपीएफ कैंप और पुलिस की हरकतों पर ड्रोन से नजर रख रहे हैं। ड्रोन से नजर रखने के इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर नक्सलियों तक ये ड्रोन कैसे पहुंच रहे हैं। सवाल ये भी है कि नक्सली अब कमजोर हो रहे हैं या और मजबूत होते जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर छत्तीसगढ़ के सियासतदान एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पकड़े गए नक्सली ने खुलासा किया है, उसके बाद कई तरह की चिंताएं और सवाल खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पर मध्यबंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में नक्सलियों के पास किस तरीके से तकनीक के जरिए से वो सक्षम हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती और बन जाती है। ड्रोन का इस्तेमाल होना वाकई चिंताजनक बात है, लेकिन इस सप्लाई चेन को ध्वस्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब इसमें खबर तो ये है कि ड्रोन का इस्तेमाल खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है, इससे नक्सली हमले को भी अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में सप्लाई चेन को रोकना सबसे जरूरी है। आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे, वो जानकारी जो बेहद महत्वपूर्ण है लेकिन लोग इसके बारे में कम ही जानते होंगे। आजादी के 1.5 साल तक भोपाल रियासत का विलय नहीं हुआ था। 1947 में आजादी मिली, उसके 1.5 साल बाद भी विलय नहीं हुआ था। पटेल और नेहरू के दबाव के बाद भोपाल के नवाब माने थे। वहीं भोपाल में 30 सदस्यीय विधानसभा का निर्माण हुआ था। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले आ रुक रहे हैं। न्यूज़ स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।